अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आजाद चाय वाला। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आजाद भाई, हम मुख्तलिफ बिजनेसेस को, मल्टीपल ब्रांचेस को एक जगह से कैसे कंट्रोल करें। सो मैंने कहा कि पहले अपने से शुरू कर, मैं अपने कुछ बिजनेसेस पे कैसे नजर रखता हूं जो हर पे मैं इस्तेमाल करता हूं। एक यूके की मिसाल देते हैं, एक पाकिस्तान की मिसाल देते हैं। यूके वाली फर्ज करो, अभी मैं फिलहाल दुबई में, यूके की जिम उठा लेते हैं और यूके की प्रोडक्शन हाउस, उसने प्रोडक्शन हाउस को रह लेते हैं, सिर्फ जिम उठा लेते हैं, सिर्फ सिंपल सा बिजनेस है। जिम बिजनेस में हमने वहाँ पे जो टेल्स लगाई हुई हैं, जो कैश मशीन्स लगाई हुई हैं, जिनमें बंदे यानी वो रिकॉर्ड करते हैं कि पैसे कितने आए, पैसे कितने निकाले गए, किसने क्या पेमेंट दी, क्या कुछ खरीदा, कौन सी मेंबरशिप बिकी, वो जो पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर है उसकी एग्जैक्ट कॉपी इस पीसी पे है। और उसको चलाने के लिए ऑल इट नीड्स इज अ सिंपल इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि सारे के सारे अल्फाज हैं, जैसे तस्वीरें वगैरह वहाँ पे। अभी अगर कोई बंदा दाखिल भी हो रहा है ना, हर बंदे को कार्ड मारना पड़ता है, और उस बंदे के कार्ड मारने से उस बंदे की तस्वीर आ जाती है, उस बंदे की मेंबरशिप के डिटेल्स आ जाते हैं, वो कितना अरसा हमारे साथ रहा है, कितने उसने पैसे लाइफ टाइम में खर्चे हैं, अब की बार उसकी जो मेंबरशिप है वो अप टू डेट है, यानी उसने पैसे दिए हैं इस महीने उसको, उस जिम को इस्तेमाल करने के वगैरह वगैरह, तो डिटेल्स इंस्टेंटली यहाँ पे आ जाएंगे, बिना वहाँ के बंदों को पता चलने के कि मैं भी देख रहा हूँ लाइव। लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं कि 24 घंटे मैं ऐसे देख रहा होता हूँ स्क्रीन को। वन एवर आई नीड टू, महीने में तीन बार जब मैं उसकी छोटी सी थोड़ी सी 15 मिनट की ऑडिटिंग करता हूँ, तब मुझे अगर फर्ज करो जरूरत पड़ती है तो मैं देख लेता हूँ। लेकिन उनको डर तो है ना, हर चीज़ मालिक देख सकते हैं। उसके अलावा व्हाट आई डू इज, हर जगह पे, हर बिजनेस पे मेरे कैमरे चलते हैं, दीज HD के कैमरे। मैं दुबई में बैठा हूँ, आई कैन स्टिल सी, एक एक चीज़ पे मैं जूम कर सकता हूँ। अभी फर्ज करो मैं रिसेप्शन पे जाता हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि लोग अभी वहाँ पे खड़े हुए हैं, ये अंदर चले गए हैं, ऑफिस में चले गए हैं, वहाँ पे किसी से बात कर रहे होंगे, शार्लोट से बात कर रहे होंगे, क्योंकि वो मैनेजर है बिजनेस की, वहाँ पे बैठी होगी इन देयर, ओप्स जो भी है, स्क्रीन चली गई है, राइट। लॉग आउट कर देता, मैंने काफी अर्सा यहाँ पे रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए। सो ये हो गया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हिसाब रखने के लिए, और कैमरों का इस्तेमाल निगरानी रखने के लिए। और मजीद इसके आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे मैनेजर और एक आध मेरे जो एडवाइजर हैं उनसे बातचीत होती है, मेरे और जो मैनेजर के दरमियान में बात होती है। दीज फ्यू पीपल जो मेरे एडवाइजर हैं अमंगस्ट दोस्त, जो कहता हूँ जो आपके ग्रुप वाले होते हैं, उस पर नजर रखते हैं मैं उसको क्या कह रहा हूँ। अगर मैं कभी वहां पे नहीं होता यूके में और खुदा ना हादसा को मसला हो जाता है, शी इज एबल टू गो इन टू दैट ग्रुप और उनसे डिसीजन ले लेती है कि जी आज दो बंदों के दरमियान में लड़ाई होगी, मैंने पुलिस को बुलाया, मुझे अगला क्या स्टेप टेक करना चाहिए वगैरह वगैरह। सो ये हो गया जिम वाला बिजनेस। ये वाली जो मिसाल है, इट इज भाई जान रेस्टोरेंट रन करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ से ऑल कंप्यूटराइज सिस्टम, यहाँ पे नाउ किचन इज इन द बैकग्राउंड, कैसे नजर रखते हैं किचन पे, लुक ऑफ दैट स्क्रीन, आप बेशक थोड़ी बड़ी 24 इंच 30 इंच वाली ले लो, ठीक है, HD कैमरा है, तरह का तरह, डर का डर एंड कंट्रोल का कंट्रोल, क्वालिटी जो कंट्रोल हो। इसके अलावा अनदर थिंग आपको दिखानी है, ये तो हुआ कैश काउंटर, दिस इज द कैश काउंटर, डायरेक्टली इसके पीछे वो देखो दूसरा कैमरा लगा हुआ है, वो लगा हुआ है टू एक्चुअली कीप एन आई ऑन कैश हैंडलिंग एंड दैट कैन बी व्यूड रिमोटली, जिस तरह मैंने आपको दिखाया अपने कैमरे मुख्तलिफ चीज़ों पर नजर रख सकते हैं। पाकिस्तान हूँ, दुबई हूँ, व्हेरेवर यू आर इन द वर्ल्ड यू कैन कीप एन आई ऑन योर जो भी हैंडलिंग हो रही है, इस तरह इन्होंने भी किया हुआ है। ऑन टॉप इट्स ऑल कंप्यूटराइज, हर आइटम की प्राइस है, हर चीज़ की सेट कीमत है, एंड ही कैन मैनेज इट फ्रॉम रिमोटली, पता है एट द एंड ऑफ द डे कितना माल बिका है, कितना पैसा टिल में होना चाहिए। पाकिस्तान में जो स्कूल्स वाला बिजनेस है, दैट इज एंटायरली ऑलमोस्ट रन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं एंड माई सेल्फ वी आर इनसाइड वन ग्रुप। जब भी वो कोई चीज़ बड़ी उठाने वाले होते हैं, जी हम नया लोकेशन खोलने वाले हैं, हम नई कोर्स करने वाले हैं, ये इश्तहार चलने वाले हैं, मैं उसको अप्रूव कर देता हूँ या अपने दो दाने डाल देता हूँ कि उसको मुख्तलिफ किस तरह किया जाए टू मेक इट मोर सक्सेसफुल। बियॉन्ड दैट, इन ऑर्डर टू रन मल्टीपल ब्रांचेज यू नीड ए फाइनेंशियल कंट्रोलर, मेरे पास फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं दैट गो टू मल्टीपल बिजनेसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस और वहाँ से लेके आते हैं फिगर्स, अच्छा अब आप बताओ सेल क्या हुई, ये हुई, एंड दे ऑडिटेड। फर्ज करो आप 2-4 ब्रांचेस रन कर रहे हो, यू नीड ए फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल कंट्रोलर ऐसा बंदा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ओनली टाइम जब मैं कहता हूँ कि किसी रिश्तेदार को रख लो, लेकिन ये रिश्तेदार ऐसा हो जिसने आपसे अलहदा अपने बलबोते पे कुछ ना कुछ हासिल किया हो और साबित किया हो दैट ही इज अ गुड फाइनेंशियल कंट्रोलर। अक्सर ये बंदे नॉन एंटरप्रेन्योरियल होते हैं, दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन यू नीड, यू नीड अ बुकवर्म, यू नीड लकीर का फकीर, यू नीड समबडी हु स्लाइटली दिल का कमजोर, लकीर का फकीर, दैट इंश्योर्स के हर चीज एड्स अप, हर चीज का जो हिसाब है जमा होके बिल्कुल एक एक रुपये का चल रहा है। फर्ज करो आप 8-10 बिजनेस रन करते हो या 8-10 आपकी ब्रांचेस हैं,
आप इस बंदे को रख लो, फी घंटा या फी आधा घंटा 45 मिनट इसने एक एक बिजनेस को देने हैं। उस दिन में ही विल गो, कल क्या सेल हुई थी, क्या बिका, क्या नहीं बिका, डैमेजेस क्या थे, मुझे दिखाओ, हाँ वाकई पड़े हुए हैं, ये चीज नुकसान हुई है, इस चीज को वापस करो। ही इज नॉट अ मैनेजर। ये मैनेजर और आपके दरमियान में वो फाइनेंशियल लिंक है, ताकि आप डायरेक्शन दिखाते रहो एज अ लीडर, जो मैनेजर डेली बेसिस पे उस बिजनेस को रन करता रहे। दिस पर्सन ओनली रिपोर्ट्स टू यू। अगर इसको कोई गड़बड़ नजर आती है, देन ही शुड ब्रिंग प्रूफ एंड से कि यार कल मैं गया था, 300 रुपए कम है, 3000 रुपए कम है, ये चीज मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही थी। ये बंदा किसी मैनेजर पे हावी नहीं पड़ सकता, इज ओनली देयर फ्रॉम हेडक्वार्टर, जो आप होंगे, यू आर द हेडक्वार्टर, जाते हैं, हिसाब किया, हर चीज दुरुस्त चल रही है। इस बंदे का ये भी काम है टू लुक फॉर पैटर्न्स विद इन योर सेल्स के ऊपर नीचे जा रही है, या कोई चीज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, कोई चीज मुख्तलफ है, आपकी तवज्जो पे लाना कि यार ये देखो पिछले वीकेंड हमारी हमेशा सेल 2000 कप हम चाय के बेचते हैं, उस वक्त 1400 बिके, 1200 बिके, क्या वजह थी, ताकि आप उस पर थोड़ा ध्यान दे सको। उसके अलावा ये याद रखना, इन ऑर्डर टू रन मल्टीपल बिजनेसेस यू नीड टू बी अ बिजनेस ओनर, नॉट अ बिजनेस ऑपरेटर। जो ऑपरेटर होता है वो बिजनेस को खुद चलाता है, जो ओनर होता है ही सिट्स बैक, वो सिर्फ मालिक होता है। और दिल जिगरा इतना बना दीजिए एंड लर्न दिस कॉन्सेप्ट कि जब आप बिजनेस ओनर होते हो, यू आर नॉट अलाउड टू कंट्रोल एवरीथिंग। जो आपके मैनेजर्स होते हैं ना, दे आर द लोकल बॉस, दे आर अलाउड टू मेक अ लॉट ऑफ द डिसीजंस, मेजर डिसीजंस नहीं वो बना सकते, बट दे आर अलाउड टू हायर फायर जिस मर्जी को। आपने उनको एक ड्यूटी दी हुई है दैट यू नीड टू मेंटेन दैट बिजनेस, उसकी क्वालिटी, उसकी सेल्स लेवल वगैरह वगैरह। ये है मेरा तरीका बिजनेस को रन करना। बाकी कोई जादू नहीं है, you have to use a lot of technology, you have to use cameras, you have to use multiple layers of auditing. अगर आप बचत करोगे, आप फाइनेंशियल कंट्रोलर नहीं डालोगे, आप मैनेजर्स नहीं डालोगे, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपेंड इनटू मल्टीपल बिजनेसेस। और कोशिश करिएगा टू रिमेन इन सेम इंडस्ट्री, ठीक है? अगर खाने में हो, स्टे इन खाने में, डू नॉट ट्राई टू डू मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि उससे क्या होता है, योर माइंड, आपकी जो सर खपत है वो बढ़ जाएगी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फोकस एंड ग्रो वन थिंग, यू विल बी स्प्रेड अमंग्स टू मेनी थिंग्स, एंड दैट विल रिजल्ट इन यू मेकिंग लेस मनी, बींग लेस सक्सेसफुल। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा, आई होप ये वीडियो आपके काम आया, टिल देन अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको पूरी जिंदगी गरीबी रहना है, आपको मिलियनेयर नहीं बनना, आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने, और आपको धक्के खाने का शौक है, और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो, मेरी सड़कें ठीक कर दो, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो ब्राय मेहरबानी मेरे चैनल पे मत सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है, जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं, जिनमें कोई आग है, कोई भूख है टू चेंज देयर लाइव्स। क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि मैंने 1,000,000 मिलियनेयर्स बनाने हैं, डॉलर वाले, वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन हैं, उनको जगाना, उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, उनको उसी घिसी पिटी रटे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे ले जाना, और उनको समझाना और उनको तसल्ली देनी कि फिजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों रास्ते जिन पे तुम चल सकते हो, जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेसमैनों ने चेंज करने हैं। इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है। अगर हमारे पास अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज हैं, अच्छी हमारे पास मॉल्स हैं, अच्छी हमारे पास बेकरीज हैं, अच्छी हद तक हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी ने किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे, तब जाके उसने हमें बेहतर सहूलत दी। और अगर हमारा इंसान पॉलिटिशियंस पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो, हमारे एक सी पैक पे देखो पूरी कौम किस तरह शोर है, वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेसमैन है उनको लालच है यार पैसे उन्होंने मजीद कमाने हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट 1,000,000 मिनी सी पैक्स। और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास 1,000,000 सी पैक्स होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे। सो साथ दो मेरा इस सफर पे। अगर आप अपने हालात से तंग आए हो, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपने कोई फिजूल डिग्री पकड़ी हुई है, या आपने बिजनेस सीखना है, या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं, जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती, मैं हूं ना, आई बी योर नंबर वन फैन, मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा, आई पुश यू, एंड टुगेदर अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हो और मिलियनेयर बन जाते हो, तो देखो नॉट ओनली अगर आपने हालात अपने ठीक करोगे, आपको कोई, यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन हैव द बेस्ट फूड, यू कैन हैव द बेस्ट रिहायश मकान वगैरह, द बेस्ट मेडिकल, आपको इस मुल्क में या बाहर जाना, व्हाटएवर यू वांट टू हैव, कोई फिक्र कुछ नहीं होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कब्र में साथ लेके तो जाने नहीं है, यू विल स्पेंड इट ऑन द पीपल अराउंड यू, दैट्स इट। सब्सक्राइब करना है, करो ना करो, दैट्स योर चॉइस, मैंने तकरीर कर दी। अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।